धू धू कर जल रही ये गाड़ी रोल्स रॉयस है, जिसकी मंगलवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेल से भरे टैंकर से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में टैंकर में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैंकर में सवार एक व्यक्ति सहित लग्जरी कार रोल्स रॉयस में बैठे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इस हादसे के बाद रोल्स रॉयस में आग लग गई। गनीमत रही कि घायलों को जिंदा जलने से पहले ही निकाल लिया गया। इस हादसे में टैंकर में सवार रामप्रीत और कुलदीप, जो यूपी का रहने वाले थे, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा टैंकर में सवार गौतम को नूह के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं रोल्स रॉयस में सवार दिव्या, विकास और तस्वीर के गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एएसआई अशोक कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अभी तक पुलिस के बयान दर्ज नहीं कराए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बयान आते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए की लागत से बना देश का जाना माना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब हादसों की वजह से एक अलग पहचान बना रहा है। आए दिन कोई न कोई बड़ा हादसा इस राजमार्ग पर घट रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस एक्सप्रेसवे पर बढ़ रहे सड़क हादसों में कमी लाने के लिए NHAI की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।